यार रोहित शर्मा, तुम हमको मत सिखाओ यार कि बॉल टैम्परिंग या रिवर्स स्विंग क्या होती है। जहां से शुरू हुआ था वहां नहीं सिखाते। पाकिस्तान के एक्स कैप्टन इंजमामुल हक साहब ने जब रोहित शर्मा को लेकर यह बात कही तो हमको लगा यार इंजमाम भाई गलत थोड़ी ना कह रहे हैं। मतलब पाकिस्तान को कोई कैसे सिखा सकता है यार बॉल टैम्परिंग को लेकर। हाँ, बॉल टैम्परिंग पर मतलब थोड़ा फनी है, बट यार लॉजिकली पाकिस्तान को बॉल टैम्परिंग पर नहीं बोलना चाहिए। अब आपके मन में सवाल आएगा, भाई साहब क्यों? यार इंजमामुल हक वो पहले कैप्टन थे जिनकी कप्तानी में बॉल टैम्परिंग की वजह से किसी टीम की हार होती। साल 2006 कभी किसी कप्तान ने बॉल टैम्परिंग के चलते मैच नहीं हारा था। इंजमाम भाई जो आज अर्शदीप सिंह पर आरोप लगा रहे हैं कि 15वें ओवर में उनकी बॉल रिवर्स स्विंग कर रही है और उस बॉल पर अच्छा खासा काम किया गया होगा 12वें-13वें ओवर में, यही इंजमाम भाई थे कप्तान। इनकी कप्तानी में वकार यूनिस वो पहले प्लेयर बने थे जिन पर बॉल टैम्परिंग के आरोप लगे थे। पाकिस्तान टीम ने टी के बाद ग्राउंड पर आने से मना किया था और अंपायर ने पेनाल्टी लगाई थी 5 रनों की, उसके बाद इंग्लैंड को जीत घोषित कर दी। तो इंजमाम भाई गलत नहीं कह रहे, उनको मत सिखाओ आप। शुरुआत उन्होंने की थी, उन्हीं कैप्टेंसी में थी और वकार यूनिस वाज द फर्स्ट प्लेयर इन हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट जिन्हें पनिश किया। इंजमाम वाज द फर्स्ट कैप्टन इन हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट जिनकी टीम बॉल टैम्परिंग चलते हार गई थी, ये सच है। शाहिद अफरीदी आप सबको याद होगा, वो सेब की तरह कर रहे थे और वो बहुत वायरल हुआ था और वो उसको प्राउडली कहते भी हैं कि अब मैंने अपने देश के लिए किया। कई सारे रिसेंट इंटरव्यूज में भी उन्होंने कहा। शुएब अख्तर इनसे भी आगे ईमानदार थे, अपनी किताब में लिखा कि भाई साहब मैंने तो किया था बॉल टैम्परिंग, 2 मैच का बैन लग गया था। मतलब बहुत छोटी छोटी बातें, बट इंजमाम गलत नहीं कह रहा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान को नहीं कहना चाहिए बॉल टैम्परिंग बारे में। वैसे पाकिस्तान की तरफ से इंडिया की जीत पर सवाल उठते हैं, जैसे आप याद कीजिए लास्ट ईयर भी वर्ल्ड कप चल रहा था तो पिच इंडिया के लिए अलग पिच होती है, इनके लिए अलग पिच होती है। फिर एक कहानी आई थी इंडिया की बॉल जो है वो अलग होती है, इंडिया की बॉल में चिप लगी होती है, बहुत सारी फालतू वाहियात बातें जो है वो सरहद पार से आई थी और लगातार चल रही थी। और इस बार भी इंजमाम भाई ने बहुत सारे आरोप लगा दिए, बट 2006 में जो हुआ था वो बहुत बड़ी बात थी बॉल टैम्परिंग वाली। और ओवल टेस्ट मैच में बॉल टैम्परिंग के एलिगेशंस, पेनल्टी, उसके बाद हार, ये बहुत बड़ी बात है। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान में भी कई सारे जर्नलिस्ट हैं, जैसे डॉक्टर नुमान है, उन्होंने कहा कि यार पाकिस्तान के लेजेंड्स जो है वो हिपोक्रेट हो गए। ये डॉक्टर नुमान ने कहा है इंजमाम और बाकी लोगों को लेकर, हम नहीं कह रहे, उन्होंने कहा कि यार जिन लोगों ने ये सब किया वो कैसे बॉल टैम्परिंग को लेकर आरोप लगा रहे। वकार यूनिस जिसका मैंने जिक्र किया वो फर्स्ट प्लेयर थे, सस्पेंशन जिन पर हुआ था जुलाई 2000 में, 50% मैच फीस उन पर फाइन लगा था। शुएब अख्तर ने तो अपनी किताब में लिखा है कि भाई ऑलमोस्ट ऑल पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स हैव टैम्पर्ड विद द बॉल, आई मे बी द फर्स्ट वन टू ओपनली एडमिट इट, बट सबने किया है। और ये उनकी किताब है कॉन्ट्रोवर्शियली योर्स शुएब अख्तर की, जिसमें इस बात का जिक्र है कि ये करते थे वो। शाहिद अफरीदी का आप सब जानते हैं, 2010 में ऑस्ट्रेलिया में 31 जनवरी 2010 ODI मैच जहां पर वो बॉल चबा रहे थे। और शाहिद ने भी कहा कि आई वॉज डेस्परेट फॉर अ विन बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट स्टिंट एज ए कैप्टन, प्लस हम पर्थ में थे, विकेट जो था वो हेल्पफुल नहीं था, मुश्किल बढ़ रही थी तो थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए थी, तो चबा लिया। मतलब ठीक है, उस वक्त जो था कर दिया, इससे पहले भी होता था बट तब पहले दिखाई नहीं पड़ता था और इस बार पकड़ गए थे हम लोग। अब इंजमाम का अर्शदीप पर, बुमराह पर आरोप लगाना, ये कहना कि भाई बेईमानी हो रही है सही कर दो, और फिर रोहित का ये कह देना कि यार इंजमाम भाई आप आंखें खोलने की बात कर रहे हो, हर आदमी मतलब क्या उस पर जवाब दे जाए। आप वेस्ट इंडीज की पिचेस देखो यार, कैसी पिचेस हैं वहां पर, हो रहा है दोनों टीम के साथ हो रहा है, आंख खोल लेना, दिमाग खोल के रखो। और फिर इंजमाम का दिल पे लेना कि भाई मत सिखाओ हमको यार, हमको पता है। तो हम भी कह रहे हैं कि हाँ इंजमाम भाई आपको पता है, हम जानते हैं कि आप पहले कप्तान हैं जिन पर बॉल टैम्परिंग का फाइन लगा, पहले कप्तान जो बॉल टैम्परिंग चलते हारे, वकार भाई फर्स्ट बॉलर हैं जो बॉल टैम्परिंग चलते फाइन पाए, अख्तर भाई कबूल कर रहे हैं, शाहिद भाई ने एक्सेप्ट किया है। बट आप लोग को नहीं कहना चाहिए ना, मतलब यार हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हाँ मतलब जीत रहे यार, आप खुश हो यार,
कि इंडिया जीत रही है, एशियन टीम है जीत रही है, हमारे लिए खुश रहो। कभी आप लोग ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करते हो, कभी इंग्लैंड को सपोर्ट करते हो, हर टीम को सपोर्ट करो इंडिया छोड़ के, समझ में आता है, बट लॉजिक से करो यार। आप बड़े खिलाड़ी, आपको बड़ा सम्मान रहा है इंजमान भाई, आपको बहुत इज्जत दी हम सब ने, डोंट डू दिस, अच्छा नहीं लगता, आप पे शोभा नहीं देता, मत कीजिए, खत्म कीजिए। रोहित शर्मा क्यों सिखाएगा आपको, हम सब जानते हैं, हम सब ने टीवी पे देखा।